हालांकि औपचारिक रूप से अभी इंतजार है सरकार की ओर से कि कब कब कौन सी ट्रेन जाएगी। जी बिल्कुल, 5 ट्रेनों को इजाजत मिली है जिसमें 6,000 मजदूर वापस राजस्थान लौट पाएंगे। और इधर फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में शाहरुख को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें सरयाम सड़क पर फायरिंग करते हुए सामने आई थी। हिंसा के बाद फरार शाहरुख को पनाह देने वाले कलीम अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 350 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली में फरवरी के आखिरी हफ्ते में हिंसा हुई थी और इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। फरवरी में हुई हिंसा के मामले में शाहरुख को जो आरोपी लगातार तस्वीरों में हवाई फायरिंग करता हुआ दिखा था, वो तस्वीरें और साथ ही शाहरुख का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। अहम बात यह है कि पुलिस की चार्जशीट में शाहरुख को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें सरेआम सड़क पर फायरिंग करते हुए नजर आई थीं। हिंसा के बाद फरार शाहरुख को पनाह देने वाले कलीम अहमद नाम के शख्स को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा पर 350 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली में फरवरी के आखिरी हफ्ते में हिंसा हुई थी। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या क्या जानकारी है चार्जशीट में? जी बिल्कुल, दिल्ली हिंसा मामले में ये पहली चार्जशीट है दिल्ली पुलिस ने दायर की है, करकोडूमा कोर्ट में दायर की, और तकरीबन 350 पन्नों की यह चार्जशीट है। इस चार्जशीट में जो आरोपी है शाहरुख पठान है, साथ ही साथ इश्तियाक मलिक है, तालीम अहमद वो शख्स है जिनके घर पर शाहरुख पठान जाकर छिपे हुए थे और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान तालीम अहमद की गिरफ्तारी की थी। सेक्शन 248, 149 और 216 IPC की धारा के तहत ये चार्जशीट दायर कर दी गई है। और इस चार्जशीट में उन तमाम बातों का भी जिक्र है जिसमें शाहरुख को हमने पहले भी तस्वीरों के जरिए दिखाया था, विजुअल्स के जरिए कि शाहरुख जो है दिल्ली पुलिस के एक हैंड कांस्टेबल के ऊपर बंदूक ताने हुआ था, फायरिंग की थी, जो पिस्तौल उससे बरामद हुई थी उसका भी जिक्र किया गया और तमाम दूसरी बातों का भी जिक्र किया गया। जी जी अमित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी, फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ये 350 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट है जिसे दाखिल किया गया है। शाहरुख जिसकी तस्वीरें सामने आई थी हवा में फायरिंग करने वाली और वो लगातार उसको आरोपी बनाने के साथ साथ एक कलीम नाम के शख्स जिसने पनाह दी थी शाहरुख को, उसको भी आरोपी चार्जशीट में बनाया गया है।